रेडियो आप लोग बता रहे एक मिनट देने वाला आप पहले तो जो सानिया हुआ कल जो जो लोग एयर क्रैश में शहीद हो गए उनके लिए दुआ भी करते हैं, उनकी फैमिलीज के लिए भी करते हैं। मुझे ख़ास तौर पे अफसोस है जुनेद जमशेद का, जिनको मैं बड़ा 20 साल से जानता था, जिन्होंने शौकत खानम जब शुरू हो रहा था हॉस्पिटल तो मेरी ख़ास तौर पर मदद की, उन्होंने वाइटल साइंस के रोल में बड़ी बड़ी पुरानी बातचीत है। और दूसरा मुझे ख़ास अफसोस करना है जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे चित्राल के, उनकी ज़बरदस्त उनकी रेपुटेशन थी, बहुत अच्छा काम करते थे। मैं अभी पिछले ये गर्मियों में वहाँ चित्राल जब था तो सारे लोग उनकी तारीफ करते थे, हम उनकी फैमिलीज के लिए और जितने भी शहीद हुए कल के सानिया में हम सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह उनकी हिम्मत दे। और दूसरा कि इसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए फौरी तौर पे कि आगे इससे जो हम सीखेंगे सबक कि और लोगों की जानें ख़तरे में ना आए, क्योंकि काफ़ी ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स हो चुके हैं बड़े बड़े भी, कि ये एक ये हमारे लिए लम्हा फिक्र है कि ये जो पी आई ए की जो सेफ्टी का रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, और इसके ऊपर जितनी जल्दी इंक्वायरी हो और फिर जो भी चीज़ें ठीक कर सके वो करनी चाहिए। मेरी आज मैंने आप सबको इसलिए इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया कि कल जब हमारी प्रोसीडिंग्स ख़त्म हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने हमें ऑप्शन दी कि क्या आप एक कमीशन चाहते हैं या यही बेंच फैसला करें। हमने उनसे टाइम मांगा, हमने अपनी सारी पार्टी से, अपने पब्लिक ओपिनियन से, बुकला से, हमने सबसे इसके ऊपर बातचीत की। तो मैं अभी आपको बताऊंगा कि हम किस फैसले पे आए। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि हम ये अदालत में पहुंचे कैसे। 2 नवंबर को हमने लॉकडाउन करना था। इस्लामाबाद का लॉकडाउन का मतलब कि हमने यहाँ 10 लाख लोग लेके आने थे, इस्लामाबाद ने लॉकडाउन हो जाना था। वो हमने क्यों लेके आने थे? क्योंकि पाकिस्तान के जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको प्रोब करना चाहिए था, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था पनामा के जब इंकशाफात हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस फेल हो गई हैं, काम नहीं करते। और जब पहली तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमारे शाहजी गए और जहांगीर तरीन गए हमें रिप्रेजेंट किया, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, उसके बेंच ने, जो मौजूदा बेंच है, उसने 3-4 चीज़ें कही। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सारा मुल्क गिरवी रखा गया है ये पनामा से 7 महीने से, तो वो चाहते थे कि इसको जल्दी से फैसला किया जाए ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। उन्होंने हमें भी अपील की कि आप भी आके अदालत में जाएं बजाय इसके के सड़कों पे हों। उन्होंने दूसरी बात ये की कि जी ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब अगर केस होगा तो
तो इनक्विजिटोरियल होगा, एडवर्सेरियल नहीं होगा। इनक्विजिटोरियल का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी तहकीकात करेगी, सुप्रीम कोर्ट भी पूछेगी नवाज शरीफ से कि ये जो सारा पैनामा का इशू है इस पे वो सवाल करेंगे। उन्होंने एक और बात कही कि जो हक में वक्त है, उन्होंने इस्लाम की तारीख का बताया कि हजरत उमर की मिसाल दी कि जो हक में वक्त है वो जवाब दिया है अवाम को, कि हजरत उमर से आम आदमी ने पूछा कि बताएं आपने ये कपड़े किधर से लिए, तो ये भी हमने सुना। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जो हम बड़ी देर से कह रहे थे कि स्टेट के इदारे काम नहीं कर रहे, तो हमने फैसला किया, यहाँ मीटिंग हुई हमारी सीधी सुप्रीम कोर्ट की पहली तारीख की हेयरिंग के बाद, और हमने मीटिंग की और हमने मीटिंग में ये फैसला किया कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब हमने ये फैसला किया तो हमारा बड़ा बैकलैश आया, हमारी पार्टी से आया, लोगों से आया, मीडिया में भी हुआ। क्यों बैकलैश आया? क्योंकि पाकिस्तान इस मुल्क की बदकिस्मती है कि अवाम का इत्माद पाकिस्तान के इंसाफ के अदारों से उठ चुका है। लोग समझते हैं कि ताकतवर के खिलाफ इंसाफ नहीं मिल सकता इस मुल्क में, इसलिए बैकलैश आया। उसके बावजूद हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हेयरिंग हुई, मैं आपको ये जो पिछले एक महीने से हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, जो कल हेयरिंग हुई इसके अंदर कई चीज़ें सामने आई। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि कल जो हमारा केस था, हम समझते हैं कि हमारी नज़र में हम केस जीत गए। कल क्या हुआ? कल नवाज शरीफ के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जो नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में तकरीर की थी वो पॉलिटिकल थी। मतलब ये कि वो झूठ बोल रहे थे। पॉलिटिकल का मतलब झूठ बोल रहे थे। नवाज शरीफ ने तकरीर में क्या कहा था? उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होके कहा कि जो उन्होंने पैसा पहुंचा था जद्दे के जरिए मेफेयर अपार्टमेंट्स लेने के लिए, वो पैसा गल्फ स्टील 1980 उन्होंने दुबई में भेजी थी और उससे पैसा क्या। और उन्होंने फिर कहा कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं, मनी ट्रेल बताने के लिए सारे कागजात हमारे साथ हैं और अदालत में हम पेश करेंगे। ये उन्होंने पार्लियामेंट में हम सबको कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम ऑपोजिशन उनसे पूछ रहे थे कि ये जब इंकशाफ हुए पैनामा के, आप मियां साहब आप जवाब दे हैं। और उन्होंने फिर इस जवाब में हमें ये कहा। और कल हमने क्या सुना उनके वकील से? कोई कागजात नहीं है। जो कागज उन्होंने दिया, जो पार्लियामेंट में कागज दिया या नवाज शरीफ ने कहा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, उसने क्या चीज साबित की? जो गल्फ स्टील से उन्होंने कहा कि पैसा गया था, जो $9 मिलियन जो भी वो कहते हैं कि नफा हुआ था, और उससे फिर जद्दा के जरिए या फिर दूसरी कहानी बाद में आई अदालत में कि कतर के जरिए पैसा गया था मेफेयर डिपार्टमेंट्स लेने में, उस डॉक्यूमेंट से हमने साबित किया कि वो डॉक्यूमेंट तो 26 लाख दिरहम का नुकसान कर गई थी वो गल्फ स्टील, पैसा तो था ही नहीं। तो जब जज ने कल उनसे पूछा कि जनाब ये आपकी गल्फ स्टील तो नुकसान कर रही थी, तो आगे से जवाब मिला और ये सब ये जो नुकसान पूरा करने पे कहीं से पैसा आ गया था। जब उन्होंने आगे पूछा कि किधर से पैसा आया, तो उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता, तब तो पर्चियों पे काम चलता था, तब तो दुबई में मेरे ख्याल में ऊंटों पे काम होता था, वहां रेगिस्तान था, हमारे पास तो कागज आते नहीं, फैक्स मशीनें भी नहीं थी। तो अगर ये थी तो मैं सवाल पूछता हूँ कि नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट से झूठ क्यों बोला? सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने पूछा कि अगर ये था तो क्यों नहीं नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में ऊंट चलते थे, वहां
गधों के ऊपर हम चीजें लेके जाते थे तो वहां तो था ही कुछ नहीं, क्यों नहीं कहा? क्यों? उन्होंने कहा कि हमारे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं। हमें पता है क्यों उन्होंने ये कहा डॉक्यूमेंट्स, वो तब झूठ बोल रहे थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थी, उनको ये तब पता ही नहीं था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश होंगे, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं थी। और फिर कतरी का खत आ गया, ये उसी तरह की बात थी कि किसी ने पता नहीं किधर से पैसा आ गया 26 लाख दिरहम 1980 में, आज कितना पैसा होगा आप अंदाजा लगाएं। कहते जी हमें पता ही नहीं कहीं से पैसा आ गया। ये उसी तरह है कि जो जनाब जो कतरी का पैसा आ गया, फिर ये उसी तरह है कि जो अल तौफीक बैंक की जजमेंट में $34 मिलियन रखवाया गया वहाँ सेटलमेंट में, वो भी अभी तक नहीं पता किधर से पैसा आ गया। जो आईन कहता है कि जब आप एक पार्लियामेंट के सामने एक, ये नहीं उन्होंने कहा कि ऐसे तकरीर कर दी, उन्होंने पढ़ के तकरीर सुनाई, तहरीरी थी, लिखा हुआ था, उस लिखी हुई तकरीर में उन्होंने झूठ बोला है। और वो झूठ जो बोला है वो झूठ ऐसा नहीं है जो आम झूठ बोला जाता है, उस झूठ के पीछे अरबों रुपए के असासे छुपे हुए हैं, ये आम झूठ नहीं है। जब रिचर्ड निक्सन ने झूठ बोला और उसको इस्तीफा देना पड़ा अमेरिकन प्रेसिडेंट को, तो वो तो एक फोन टैपिंग के ऊपर झूठ पकड़ा गया, वो तो छोटी सी चीज थी। बिल क्लिंटन को झूठ बोलने के ऊपर मोनिका लुइंस्की केस के ऊपर उसका तकरीबन इम्पीचमेंट शुरू होने लगी थी, वो तो कोई अरबों रुपए की करप्शन नहीं थी। हैरल्ड मैकमिलन बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा झूठ बोलने पे, वो तो एक परफ्यूमो अफेयर था, उसमें तो कोई चोरी नहीं थी। इस झूठ के पीछे तो अरबों रुपए की चोरी है, इस कॉम का पैसा चोरी होके बाहर क्या हुआ है, ये छोटा मोटा झूठ नहीं है। इसलिए हम ये समझते हैं कि कल जो हम नवाज शरीफ कल केस हार गए, उनके वकील ने एडमिट कर लिया, उनके पास तो सबूत ही कोई नहीं है, कागजात ही नहीं है, मनी ट्रेल ही नहीं है। और जो एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो इखलाकी जो स्टैंडर्ड्स होती हैं, जो उसकी इखलाकियात का मयार होता है, वो आम शहरी से ऊंचा होता है, इसलिए होता है क्योंकि कौम के टैक्स के पैसे की वो रखवाली करता है। और अगर आपका प्राइम मिनिस्टर की बात के ऊपर, ज़बान के ऊपर कोई माने ही ना, तो इसका मतलब जिस तरह शेख रशीद ने कहा कि बिल्ले को बिठा दो दूध की हिफाजत करने के लिए, ये वो हाल है। जब आपके पैसे के ऊपर वो लोग बैठे हुए जिनके ऊपर आपको इत्माद ही नहीं है, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। हम अब मैं आ जाता हूँ कि जो हमने फैसला किया, हमने अभी भी मीटिंग की और हमने सारी अपनी पार्टी से सारी पार्टी से हमने फीडबैक लेके इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हम चाहते हैं कि ये ही 5-member bench ये फैसला करें। हम कमीशन नहीं चाहते, ये 20 करोड़ आवाम की आज डिमांड है। मुझे जितनी कल से जितनी भी मुझे फीडबैक आई है, एक आदमी नहीं है जो कहता है कमीशन बनाओ। सिर्फ हाँ एक आदमी ने था कहा था कि कमीशन सिर्फ एक शर्त पर बने कि नवाज शरीफ पहले रिज़ाइन करें, क्योंकि अगर कमीशन बनती और नवाज शरीफ रिज़ाइन नहीं करते तो वही एजेंसीज उनके नीचे हैं, वही नैब उनके नीचे है, बिहार उनके नीचे है, वही FIA उनके नीचे है, तो ये अदारे तो वैसे ही उनके कंट्रोल में है, तो अगर कमीशन बन जाएगी तो क्या हो जाएगा। इसलिए डिमांड है सारी कौम की, जिस तरह शेख साहब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इदारे बिल्कुल किसी, उन्होंने खुद ही हाथ खड़े कर दिए हैं। तो हाँ ये अब कमीशन, सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि जनाब कई डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कहा वेरीफाई नहीं हो सकती, हमारी तो एक डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर इतराज़ किया है नवाज शरीफ की बुकला ने, एक डॉक्यूमेंट है। वो डॉक्यूमेंट क्या है कि मरियम नवाज बेनिफिशरी ओनर है नीलसन और नेस्कॉल दो कंपनीज की जो मेफेयर की अपार्टमेंट्स की उनकी मलकियत में है। अब ये जो ये हमें किधर से मिली, ये हमें मिली ICIJ की वेबसाइट से। ICIJ की वेबसाइट के ऊपर अभी तक
किसी ने एतराज नहीं किया। सारी दुनिया में एक प्राइम मिनिस्टर को तलाशी देनी पड़ी डेविड कैमरॉन को अदालत में आके, और दूसरे आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा इन्हीं इसी ICIG की फाइंडिंग्स के ऊपर। किसी ने दुनिया में एतराज नहीं किया, 7 महीने शरीफ फैमिली में एतराज नहीं किया, अब आके अदालत में कह रहे हैं कि जी हम समझते हैं कि वो डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है। और FBR ने उसी ICIG की वेबसाइट के ऊपर नोटिसेस भेज दिए। तो अगर वो FBR आपकी मान रही है वो वेबसाइट की, तो ये कैसे इतराज कर रहे हैं? तो हमारे ख्याल में कमीशन की जरूरत नहीं है, हमारे ख्याल में ये बेंच बिल्कुल केपेबल है, ये कॉम्पिटेंट है, इनके पास काफी सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। बल्कि शेख रशीद ने तो कहा हमारे से ज्यादा वो जानते हैं, जो बेंच में लोग बैठे हुए हैं जो जजेस, हम समझते हैं इनको फैसला करना चाहिए, हम समझते हैं इनको डे टू डे हेयरिंग करनी चाहिए। 8 महीने से सारा मुल्क बैठा है, सारी गवर्नमेंट का काम सिर्फ नवाज शरीफ की करप्शन बचाना है। इस वक्त गवर्नमेंट का काम एक फैमिली की, शरीफ फैमिली की करप्शन बचाना है। हम समझते हैं कि इस जज को डे टू डे हेयरिंग करके जितनी जल्दी फैसला करें, हमारा इनका सुन लें नवाज शरीफ के वकीलों को डे टू डे में, उसके बाद हमारी रिपोर्टल सुन के फैसला कर दें। ना हमने नईम बुखारी हमारे जो लीड काउंसिल है उनको इंस्ट्रक्ट किए कल वो जाके अपना पूरा मौकफ रखें सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने, और हम ये उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यही बेंच जल्दी से जल्दी फैसला करे, क्योंकि सारी कौम 8 महीने से फंसी हुई है ये पैनमा के केस के ऊपर। एक लाइन मैंने कहनी है कि मैंने ये मीडिया से कहा था कि 3 बजे खान साहब से मिलकर मैं 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, अब उसकी जरूरत नहीं है, खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस ही मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर अदालती फैसला इसके बरक्स आता है तो फिर PTI का क्या? देखिए अदालत में तो जो हमने जब अदालत में गए थे तो इसका मतलब ये है कि जो अदालत का फैसला वो तो कबूल करना पड़ेगा। लेकिन मैं जीतने रहा इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो आपके सामने बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर सारी कौम को पार्लियामेंट में कहता है कि मेरे पास सारे सबूत है मनी ट्रेल के, और कल पता चला कोई सबूत भी नहीं है, और जो एक डॉक्यूमेंट दिया उसमें साबित होता है इनके पास पैसे ही नहीं थे, ना प्रॉपर्टीज लेने के लिए, ना अरबों रुपए की बिजनेस करने के लिए, जिससे अब जो सारे अंडे दिए गए हैं गल्फ स्टील ने, वो गल्फ स्टील के पास पैसा ही नहीं था, तो केस तो वही खत्म हो गया। देखे ना आपने खान साहब, ये तो मना